Hello guys, welcome back to another lesson on MPPSC Assistant Registrar Examination MCQ series. My name is Aditya Dubey and in this topic we will talk about MCQ based on role of commissioner, role of collector as well as role of tehsildar, which pertains to topic 4 of the syllabus paper 2 of the MPPSC Assistant Registrar Examination. So, chaliye shuru karte bina kisi deri ke. तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यूनिट इन एमपी, मतलब एमपी में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विच इज ऑप्शन 10, मींस 10 टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यूनिट है हमारे एमपी में. यदि बात की जाए सबसे छोटे डिवीजन की, मींस स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो वो है शेड्यूल, वाइल अगर लार्जेस्ट डिवीजन की बात की जाए तो वो है हमारा जबलपुर. ओके, तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं. इसके बाद है कि हु एक्ट्स एज अ सुपरवाइजरी हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिस सिचुएटेड इन द डिवीजन, मतलब डिवीजन में लोकेटेड कौन ऐसा व्यक्ति है जो हेड करता है सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस. तो इसका सही आंसर आप इजीली गैस कर चुके होंगे, सिंस डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर की होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमिश्नर. ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एमपी पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ, व्हेन डिड एमपी पंचायती राज एक्ट पास्ड. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज 1993 को एमपी पंचायती राज एक्ट पास हुआ था. ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफिस बेयरर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डिविजनल कमीशन, मतलब डिविजनल कमिश्नर के अंतर्गत कौन सा ऑफिस बेयरर काम करता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज कलेक्टर. कलेक्टर कलेक्टर्स ऑफिस वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डिविजनल कमिश्नर. ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु एक्ट्स एज अ चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी का चेयरमैन या अध्यक्ष इनमें से कौन सा कौन होता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज कलेक्टर, मींस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्ट्स एज अ चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी. अगला क्वेश्चन है हु एक्ट्स एज अ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर का प्रधान या मुखिया कौन होता है इनमें से. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज कलेक्टर. ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्ट्स एज अ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हेड. अगला क्वेश्चन है कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, मींस तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय होम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइनेंशियल कमिश्नर अपॉइंट्स द तहसीलदार, वेयर एज अगर नायब तहसीलदार की बात की जाए तो वो अपॉइंट करता है डिविजनल कमिश्नर. ओके, तो आप याद रखिएगा तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल कमिश्नर. अगला क्वेश्चन है हु मॉनिटर्स फूड्स एंड सप्लाईज इन हिज तहसील टू सीड एंड फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट. अब आपके सामने एक टर्म इजीली कैची वर्ड आया होगा, तहसील. तो जहां कहीं भी तहसील का शब्द रिलेट होता है तो ऑब्वियसली आप इजीली गैस कर पाएंगे कि ऑप्शन सी, तहसीलदार इसका आंसर है. तहसीलदार मॉनिटर्स फूड एंड सप्लाईज ऑफ हिज तहसील टू सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट एमसीक्यू वीडियो पर्टेनिंग टू टॉपिक 4 ऑफ टॉपिक सी. मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो. यदि अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, और यदि आप पुराने हो चाहे नए हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. मैं जल्दी ही और एमसीक्यू कवर करूंगा. और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपने इसका थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखा जो मैंने बनाया था, मींस रोल ऑफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार का, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा. और अगर आप प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, वो रहेगा टॉपिक 4D का, जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ ही साथ हम जानेंगे रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग. सो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या मैं इसका डायरेक्ट एमसीक्यू वीडियो बनाऊं या पहले एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊं. तो प्लीज आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा, अपना एक ओपिनियन जरूर बताइएगा कि मैं सीधे इसका एमसीक्यू बनाऊं या एक थ्योरेटिकल वीडियो. सो थैंक यू फॉर नाउ, हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय.